खबर है भिंड से, जहां युवक ने नाबालिग को प्रेम प्रसंग में फंसाकर अश्लील फोटो खींच लिए। इसके बाद ब्लैकमेल कर युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवक ने सगाई तोड़ने के लिए मंगेतर को भी अश्लील फोटो भेज दिए, जिसके बाद युवती ने महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है 14/22, जिसमें फरियादिया है 18 साल की एक युवती है, जिसने अपने चाचा के खिलाफ एक आवेदन दिया है, जो उसका सगा चाचा ही लगता है। फरियादिया अभी चूंकि 18 साल की है, लेकिन 16 साल की जब वो थी, यानी 2 साल पहले, उसके चाचा ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। उसकी कुछ अश्लील वीडियो और फोटोज भी खींच ली अपने मोबाइल से। अब जब फरियादिया की चूंकि शादीशुदा था उसका चाचा, उसका नाम प्रदीप है उसके चाचा का, शादीशुदा ऑलरेडी था। जब फरियादिया की जब शादी पक्की हो गई कहीं और, तो उसके चाचा को वो पसंद नहीं आया और उसके चाचा ने उसको धमकी देना स्टार्ट कर दिया कि अगर वहाँ शादी करी तो मैं तुम्हारी वीडियो और जो फोटोज़ मैंने खींचे हैं वो मैं वायरल कर दूंगा। और किया भी उसने यही, और साथ ही साथ वो धमकी भी देता था। जिस तरह से अस्पताल में एक मर्डर हुआ था एक नर्स के साथ, तो वैसे ही उसकी धमकी देता है कि जैसे उस लड़के ने स्टाफ नर्स के ऊपर गोली मार दी थी उसको, वैसे मैं तुमको भी गोली मार दूंगा। तो इसके डर के मारे वो कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन चाचा ने जब उसको धमकी दी और साथ में जहां उसकी शादी तय हुई थी वहां ससुराल वालों को उसने वो फोटो और वीडियोज वहां पर व्हाट्सएप कर दिए। जब ये पता लगा उनको, उनके घर वालों को, तो सगाई तोड़ दी फरियादिया की, और फिर फरियादिया पीड़ित होकर थाने। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।